नमस्कार दोस्तों, पुलवामा हमले में शहीद हुए 42 जवानों की घटना से देशवासी यहाँ आक्रोशित हैं। वहीं लखनऊ यूनिवर्सिटी के एक छात्र ने इस पर जश्न मनाकर शहीदों के परिवार व सभी देशवासियों के जख्मों पर नमक छिड़ने का काम किया है। मामला राजधानी लखनऊ का है, जहाँ के थाना कृष्णा नगर क्षेत्र में रहने वाले रजब खान नाम के एक छात्र ने पुलवामा में शहीद हुए जवानों को लेकर बेहद ही आपत्तिजनक टिप्पणी की है। रजब खान जय नारायण पीजी कॉलेज में बीए प्रथम वर्ष के सेकंड सेमेस्टर का छात्र है, जिसने व्हाट्सएप पर आतंकी हमले पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। वह शिवांग मिश्रा नामक युवक से बात करते हुए लिखता है कि पुलवामा में जो हुआ बहुत बढ़िया हुआ। वहीं एक दूसरे संवाद में वो लिखता है कि जब तक हम लोग शांत हैं तब तक तुम ऐसे ही जी रहे हो, अगर हम अपने पर आ गए तो सबके घर में घुसकर मारेंगे, जैसे कल पुलवामा में मारा था। व्हाट्सएप पर की गई इस बातचीत के स्क्रीनशॉट वायरल होने के बाद रजब खान को जय नारायण कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया है। बातचीत के स्क्रीनशॉट वायरल होने के बाद राजधानी में हड़कंप मच गया है। हिंदू युवा वाहिनी भगवान अच्छा वाहिनी के कार्यकर्ता व पदाधिकारी समेत सैकड़ों छात्रों ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। कॉलेज में हंगामा भी किया, छात्रों ने हुसैनगंज कोतवाली में भी प्रदर्शन किया। वहीं कुछ संगठनों के लोगों ने रजब खान के घर का घेराव भी किया। मामला बढ़ता देख कृष्णनगर पुलिस ने आरोपी को घर से गिरफ्तार कर लिया है। देवेंद्र पांडे की तहरीर पर रजब खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया है। छात्र के मोबाइल को जब्त कर साइबर सेल के हवाले कर दिया गया है, जो मोबाइल के मैसेज और छात्र के संपर्क में रहे लोगों की जांच कर सारा इतिहास खंगाल रही है। धन्यवाद।